जोश तो बहुत कम हो गई सा है। चलो कोई बात नहीं, आखिरी आखिरी समय है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय लालजीत सिंह जी, हमारे धर्मजयगढ़ के विधायक और हमारे त्रिपूर्व विधायक सम्माननीय सत्यानंद राठिया जी, सम्माननीय ओम प्रकाश राठिया जी, सम्माननीय हृदय राम राठिया जी और मंचस्व सभी हमारे समाज के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित आज के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच, पंच और उपस्थित सभी निर्वाचित पदाधिकारीगण और उपस्थित बाहर से आए हुए सभी सज्जन भी, अभी आप मन के सामने बहुत कुछ बात ऐसे और हमारे समाज के संस्कृति ला बचाया वर बहुत कुछ करना है। अभी हमार ओम प्रकाश जी नाचा ऊंचा के बारे अपन ला बतात रही, वैसे मैं एक दो बात बताऊँ, ज़्यादा नहीं बोला। तो हमार समाज में एक संस्कृति के बारे में बताना चाहता हूँ, जो खान पान के बात है। ये डंडा नाचा ऊंचा इधर उधर सब बात आप मन के हो गई, लेकिन एक खान पान बचे है। खान पान में ये है, आज हमन कोई भी काम है, जैसे छठी है, दशकर्म है, शादी है या कोई भी हमन कार्यक्रम करथन, वो कार्यक्रम में हमन आज जो है हर परिवार के है कि मिठाई वगैरह बनाना हर काम में बहुत जरूरी हो गई। जैसे आप मन के सेव बूंदी है, गुलाब जामुन है, ये कई प्रकार के आइटम है, तो ये सब आइटम हमन बनाथन और सब लोग खरीद के लानथन। हमन घर में मतलब अपन परिवार में अपन खेती बाड़ी के माध्यम से लोग पैदा नहीं करत, लेकिन मोर सोच है आज हमन अगर घर के कमाए, जैसे चावल के आइटम, जैसे हमन चावल के जो हमन आदिवासी रोटी बनाथन, जैसे आप मन के गुरहा रोटी, ऐसा रोटी, घोरिया रोटी, सूखा रोटी, नमकीन रोटी, ये में 500 प्रकार के रोटी होते और जो ना ओरिजिनल होते, और हमन जो दुकान के में खरीद के लाते सब डुप्लीकेट होते। बोला अगर हमन दो प्लेट अगर खा देते दुकान वाला ला, तो कम से कम उसमें हम लोग 50 रुपये की दवाई खाए वाला लागते। और हमन घर के चीज ला, हमन जैसे भी बात है ना, आदिवासी मतलब हीन भावना से देखे जाते, वैसे हमन के रोटी के हो गए, ये हीन भावना वाला हो गए। तो मैं अभी वही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज में जो है ये हर जगह कोई भी कार्यक्रम हो, जहाँ हमन 20-25 किलो या 50 किलो हमन बेसन वगैरह खरीद के लान था, अरे घर में चावल है, अगर 5-5 क्विंटल के रोटी ला बनवा के पूरा समाज ला खिला दो ना भाई, कहाँ से निकल रहे। आज तुम्हारे घोरिया रोटी ला खिला दो बना के, मैं कहता हूँ जतका कर्मचारी मन तुम्हारे गुलाब जामुन ला छोड़ दे रही है, घोरिया रोटी ला खाई। सही बात है कि नहीं, गलत बोला तुम तो बोलो। तो ये सब चीज ला आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब दूसरा बात मैं अब बताना चाहता हूँ, मैं बहुत दिन से बोलता हूँ, आज हमारे समाज में सबसे बड़े शोषण है, जो सबसे ज्यादा नुकसान होते गाँव में, जो भिकमंगा मन से, ये साधु महात्मा मन से, मैं तो 20 साल पहले से बोलत रहे कि साधु मन जो है ठग रहे थे। आप मतलब पता चल गई सो ये अभी आसाराम बापू वगैरह अंदर हुई नहीं था, है ना। गांव-गांव में आज जो है ना भिकमंगा साधु मन काफी घूमत रहते हैं, इमान गांव में बहुत ज्यादा पैसा लूट के जाते हैं। गांव के मैं देखत रहता हूँ देहात के महिला मन ला, इतना मन ठगते ना कि वो मन जो है कई दिन तक पछतात रहते। मैं हमारे गांव के बाद में आप मतलब बताना चाहता हूँ, हमन के सिथरा में अभी 8 साल पहले 7 जन साधु आए रही नागा बाबा, जो तुम्हें भगवान का समान थो, वो 7 जन आए रही उमन गांव में, क्या करें बताओ। 2 दिन तक के गांव में आई, गांव में आई नौकर बात कहते हमन पूजा पाठ कराबो, है गांव में रुक गिन और शाम के बढ़िया खाना पीना गांव वालों ने व्यवस्था कर दी। और खाना व्यवस्था करे के बाद शाम के
बढ़िया मन भजन कीर्तन करिन और दूसरा दिन फिर सुबह हो गए। दूसरा दिन कहते नहीं आज भी रुकेंगे और दूसरा दिन भी रुक गए, फिर खाना पीना व्यवस्था कर दी। ओकर बाद ओकर जो छह जन चेला रहते ना ओमन जो है ना ऐसा ग्राहक खोजना शुरू कर दिन गांव में, और उन गांव में जो भी आज जाए उमल कहा जाए कि हमारे बाबा जी जो है बहुत अच्छे हैं, आपके घर में अगर कोई भूत प्रेत का वास है तो ये ठीक कर देते हैं, अगर बाल बच्चे नहीं है तो ये ठीक कर देते हैं, मतलब कोई भी पुराना बीमारी है वो सब ने ठीक करते वह। तो ऐसा कर कमन ग्राहक खोजत रही। जब तीसरा दिन कहें कि हम जो है कल जो है हम सबको पूजा वूजा करके चले जाएंगे। अब तीसरा दिन वो मन जाए करे सुबह 4 बजे चालू कर दी गांव में पूजा करना। अब पूजा करे के समय गांव के जो घर के आदमी मन ला सब लोग बाहर निकाल दिन, दू झल घर में रखे रही और ओकर सामने मन पूजा पाठ करी। अब पूजा पाठ करे के बाद जब वहां का जो मेन साधु है वो मेन साधु वहां पूजा करवात की और वहां पहले तो कसम खवाई कि यहां कोई भी बात होगा इस बात को आप कहीं मत बताना, अगर आप बताते हो तो आपके परिवार में अब वो ऐसा डरवानी बात हो बता दी इसके ऐसा दुर्घटना हो चाहे हो सकता है या आप मर सकते हो, है ना, ऐसे प्रकार को भयभीत कर दी। अब ओकर बाद पूजा चालू हो गई। पूजा चालू होए के बाद अब मैं कोई खर्चा भी नहीं, पूजा पाठ के खर्चा का खर्चा वो कहा थे कि 10 ठो आप नहाने का साबुन ले आओ और 2 ठो बढ़िया सुगंधित तेल ले आओ और कोलगेट ले आओ, जो जो कर जरूरत है वही वही चीज मंगवा ली। अब पूजा पाठ के थोड़े मोड़े नारियल उरियल कोला मंगवा ली। अब पूजा चालू हो गए। अब चालू होए के बाद अब वो साधु जी कहा थे अब इसमें 5-10 किलो घी लगेगा। तो मन कहा थे भाई हमारे पास तो घी नहीं है, हाँ तो पैसा चढ़ा दो और 10 किलो घी का कतक होई भाई कम से कम 5,000 से 10,000 रुपया। अब वो लोग निकाल के चढ़ो ओकर बाद फिर पूजा आगे बढ़ गए। आगे बढ़े के बाद वो कहा थे कि भाई 1 मासा सोना लगेगा और फिर सोना है वो लोग निकाल के चढ़वा दी। तो ऐसे करके वो भी चढ़ गए। तो ऐसा करके ओकर घर में 10-15 हजार जो भी है सब लोग निकाल के ले गए। अब निकालने के बाद वो कहा था कि इस बात का